हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, लेट अस डू एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में क्या है स्टूडेंट्स, पहले आपको 9.1 बनाई थी मैंने, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे थे इसलिए मैंने आगे नहीं बनाई है। आज मैं आपको 9.2 एक्सरसाइज की वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप पढ़ोगे तभी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, अगर आप स्टडी नहीं करोगे इस तो नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगी। ओके, तो एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसको आपको बेसिक समझना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि मैथ का टीचर नहीं होता, मैथ को टीच नहीं कराया जाता, बल्कि मैथ को मैं गाइड, मैथ का गाइड होता है, आपको गाइड किया जाता है। ऐसे आपको यहाँ पे इसके मेथड बताए जाएंगे, आपको आपको एकदम से आ जाएगा, बस आप इस वीडियोज़ को ध्यान से देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट क्या 4 और 7p, इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो इसका क्या ज्ञात करेंगे आप, गुणन, ये पेन ही नहीं लिख पा रहा है, गुणनफल। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं गुणनफल, तो इसका मतलब क्या है, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7p के साथ। ओके, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो इसके साथ p x y z जो भी इसमें लगा होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 7 कितने हुए, 28। पी तो अकेला है तो 28p कितना इजी था। ओके, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज इन फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ, दिस इज फोर्थ ऑफ फर्स्ट। ओके, इसमें क्या है, 4p² x - 3p, 4p² दिस इज 4p³, दिस इज 4p³ - 3p, 4p³, क्यूब का मतलब घात 3, दिस इज 4p³³ - 3p, 4p³ और -3p, 2 टर्म्स है इसमें दी, इनका गुणनफल निकालना, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 टर्म्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 4p³ आ गया, फिर मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, -3p। ओके, आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इस तरह से 4p³ × -3p, ये हमने इसलिए डायरेक्ट मैंने नहीं लिखा, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि आप मल्टीप्लाई और माइनस दोनों साथ दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी और माइनस भी, तो आप कंफ्यूज होते हो इसमें। ओके, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को क्या बताया था आपको, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 4p के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, +(-), पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, +(-), 4 × 3 किसको करेंगे अब, 4 और 3 को, उसके बाद pq मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p के साथ, ठीक है, 4 × -3 × pq × p। अब इसमें देखिए, 4 × -3 कितना हो गया, -12, क्लियर। अब p³ × p, आपके पास क्या है, p³³
इंटू पी, यू हैव पी रेज टू पावर 3 इंटू पी। पी के ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब कितनी होगी, 1। तो ये और ये आधार सेम है तो सेम आएगा पी नीचे। अब इनकी घात आपस में जुड़ जाती है अगर आधार सेम हो, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो पी की घात 3 गुणा पी की घात 1 क्या होगा, पी की घात 3 जमा 1, घात इनकी जुड़ गई आपस में, ठीक है। तो ये आ गया पी की घात 4। तो आपको यहाँ से समझ आएगा 4 × 3 = 12 गुणा पी की घात कितना आ गया, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, क्योंकि बेस सेम है तो घात जुड़ेगी 3 और 1 = 4। कैसे आया ये आपको यहाँ बता दिया, क्लियर। ये था ये क्वेश्चन, ईजी है ना। तो ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चन ईजी हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, 4p × 0। अब 4p को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहता है, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज इन फिफ्थ क्वेश्चन, 4p × 0, पहले टर्म 4p है, दूसरा 0 से मल्टीप्लाई करो, किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही रहता है, ऐसा ही होता है ना, ओके। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट के बाकी आप कर सकते हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन समझाया जाए, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगी जो नहीं आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, रेक्टेंगल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, या क्या कहेंगे आप इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कैसे निकालोगे, रेक्टेंगल, पेन अभी थोड़ा लिख नहीं रहा है, इसमें इंक ज़्यादा हो गई है, ओके, इसलिए ये राइटिंग ऐसे ही आएगी इसकी। तो आप देख सकते हो स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, आती होगी, फिर भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन का, जैसे सेकंड क्वेश्चन का आप करोगे फर्स्ट, इसमें क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू 10m 5n, या बी एक्स स्क्वेयर 5y स्क्वेयर, 4x और 3x स्क्वेयर, 3mn और 4np, ओके, ये दे रखे हैं इसमें क्वेश्चंस, तो आपको इनको करना है, ओके। अब इसका फर्स्ट पोर्शन क्या दिया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा, सेकंड का फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू, अगर लेंथ पी है, ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, और ब्रेड्थ जो है क्यू यूनिट है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया क्या निकलेगा, ARE, ओके। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है पी, ब्रेड्थ कितनी है क्यू, पी गुणा क्यू क्या हो गया पी क्यू, ईजी था ना, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, तो बस फॉर्मूला लगाना है, ओके। अब जैसे इसका सेकंड देखो, लेंथ कितनी दे रखी है 10m, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 5n, शुरू वाली लेंथ है और बाद वाला ब्रेड्थ है, तो एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 10 × 10m × 5n, ठीक है, 10m × 5n, तो 10 × 5 पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, फिर m × n mn आ गया, 10 × 5
50 एम एन, ये आ गया, कितना सिंपल था। ओके, इसी तरह से आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हो। अब जैसे मान लो इसका थर्ड है, इसी का ही थर्ड, सेकंड का थर्ड में क्या दे रखा है, 4x लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखा है 3x स्क्वायर। अब एरिया क्या निकलेगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मतलब 4x इंटू ब्रेड्थ मतलब 3x स्क्वायर। तो पहले नंबर्स को करो, 4x, 4 इंटू 3, और उसके बाद x की टर्म्स करो, x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 × 3 = 12, x की घात 3, 2 में 1 जमा करो तो कितना हो गया, 3। ओके, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ऐसे इसका फोर्थ है, फोर्थ में देखिए, इसी का फोर्थ 3mn और 4np, 3mn और 4np। तो ये पहले वाला क्या दे रखा है, लेंथ, दूसरे वाली क्या दे रखी है, ब्रेड्थ। तो एरिया क्या होता है, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी आ गई, 3mn इंटू 4nl। अब नंबर्स को आपस में करो, 3 × 4, और बाकी आपस में करो, mn इंटू nl। ठीक है, अब इसमें देखिए, 3 × 12, m तो अकेला है, n 2 है, तो इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, दोनों की घात जुड़ती है। यही बताया था ना आपको, बेस सेम हो, n गुणा n हो गया n स्क्वायर इंटू l, सिंपल था ना। तो इस तरह से आपको इसको करना है। ओके, और अगर l दिया है तो l, p है ये, p यहाँ पे, p है ये, l नहीं है, इंटू p। ओके, ये तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, ऐसे ही आपके पास थर्ड क्वेश्चन में एक टेबल दिया है। कैसे दिया है, शुरू में आपके पास थर्ड क्वेश्चन में देखिए कैसे टेबल दे रखा है। थर्ड में शुरू में आपके पास एक पद द्विपद दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे शुरू लाइन में देखो 2x दे रखा है, और यहाँ पे एक पद और द्विपद दे रखे हैं, और इधर को क्या दे रखा है, फिर इधर को, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -5y, यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे -4xy, इस तरह से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 2x दे रखा है, ध्यान दो, यहाँ पे -5y दे रखा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर दे रखा है। पहले इतने ही देखते हैं। अब देखो इसके नीचे क्या आएगा, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 कितने हो गए, 4, 2 × 4, एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, यहाँ घात 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 = 2। ऐसे ये 5 × 2 = 10, -5 × 10, एक्स गुणा वाई। ऐसे इसमें 3 × 6, 2 × 3, 2 × 3 = 6, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो कितनी हो गई टोटल एक्स की घात, 3। ऐसे यहाँ पे 4 × 8, माइनस, साथ में माइनस है, -4 × 1, एक्स, एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, आगे वाई। इसी तरह से सो वन चलता रहता है। अब जैसे ये 5y है, तो 5y इसके नीचे लिखना है हमने, तो इसके नीचे का मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आए वो यहाँ आएगा, समझ रहे हो, ये इसके साथ -5y को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ आएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, 5 × 2 कितना हुआ, 10, y इंटू एक्स, वाई एक्स या एक्स वाई कुछ भी लिख लो। ओके, अभी अगले में क्या आएगा, यहाँ पे जी इन दो को मल्टीप्लाई करके आया, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 × 25, y गुणा वाई, वाई स्क्वायर। अगले में
माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 × 3 = 15, वाई एक्स की स्क्वायर उतार दिया। आगे माइनस इंटू माइनस, प्लस 5 × 4 = 20, एक्स वाई इंटू वाई कितना हो गया, कितना आएगा ये एक्स वाई इंटू वाई, ये ना यहाँ ये माइनस इंटू माइनस, प्लस 5 × 4 = 20, एक्स साथ में एक्स है और उसके बाद वाई इंटू वाई कितना आया वाई स्क्वायर, सिंपल है ना। ऐसे ही हम इसकी बात करें अगर हम 3x² एक और समझा देते हैं आपको ये 3x² वाला, ठीक है ध्यान से समझे। अगर ये 3x² है और यहाँ पे क्या था ऊपर, ये वाले ऊपर है, ये हम खुद लिख रहे हैं और ये इधर को है, ऐसे है ठीक है। अब इसके और इसकी सीध में यहाँ पे क्या आएगा, इसकी सीध में और इसकी सीध में, इन दो को मल्टीप्लाई करके इसकी सीध में क्या है 3 × 6 x² × x कितनी घात हो गई जब जोड़ेंगे तो 3, 2 + 1 = 3। ऐसे ही यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 × 3 = 15 और x² × y क्या आ गया x² y। ऐसे ही 3 × 3 = 9 x² × x² कितना हुआ x^4। ऐसे ही प्लस का ही है माइनस की, 3 × 12 x² × x क्या हुआ x^3 y साथ में, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन में एक टेबल आपको पूरा टेबल ये कंप्लीट करना है और मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लोगे। और जहाँ पे जो चीज़ नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो हम आपको उसके लिए एक वीडियोज बना के बता देंगे। ओके नाउ लेट अस डू द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। अब फोर्थ में क्या है, आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम, आयतन या हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है आपको। ओके क्या निकालना है वॉल्यूम, इसमें क्या है लेंथ दे रखी है। फर्स्ट में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, लेंथ कितनी दे रखी है इसका, फर्स्ट है लेंथ दे रखी है 5a, पहले लंबाई लिखी है तो पहले वाला लंबाई होगी, उसके बाद चौड़ाई है तो 3a². ओके उसके बाद ऊंचाई है हाइट दैट इज 7a⁴। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, अब आपको इसका क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन कैसे निकलता है या वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 5a गुणा चौड़ाई कितनी है 3a² गुणा हाइट कितनी है 7a⁴। ओके तो आपको क्या बताया था, पहले क्या नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 × 3 × 7 कट्ठे लिख लो, फिर एक जैसी टर्म कट्ठे लिख लो, क्या क्या है यहाँ a है गुणा a² है गुणा a⁴ है। अब देखो आसान हो जाएगा ना, 5 × 15 = 7 × 105। आगे देखो ये बेस सेम 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 है तो घात जोड़ती है, यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, 2 × 1 = 3 घात जोड़ रहे हैं पावर इसकी, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7 तो a⁴ कितनी आ गई 7, a⁻¹ × a⁻²× a⁻⁴ हो गया a⁻⁷ था ना इजी। ओके ऐसे इसका एक और बता देते हैं आपको, जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेंथ कितनी दे रखी है एक्स वाई, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, लेंथ इज एक्स वाई एंड ब्रेड्थ इज 2x² y एंड हाइट इज x² y।
और हाइट कितनी दे रखी है? लेंथ, ब्रेड्थ, आगे हाइट। हाइट दे रखी है इसकी 2xy2। पहली वैल्यू लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ है, तीसरी क्या है? हाइट है। ये थर्ड क्वेश्चन में। ओके, अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या बताया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह क्या है? एक्स वाई, या यहाँ लिख लो, यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ लिख लो। लेंथ की जगह क्या है? एक्स। लेंथ की जगह इसका वैल्यू भरो जो लेंथ है। लेंथ क्या है? एक्स वाई इंटू ब्रेड्थ क्या है? ये वाला 2x2y। एच इंटू हाइट क्या है? ये वाली 2xy2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे फिर ये होंगे। तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 है, यहाँ कितना है 2। पहले नंबर्स लिखो 2 इंटू 2, उसके बाद x वाली टर्म्स लिखो x, और कहाँ है x? यहाँ है x2, और कहाँ है x? यहाँ है गुणा x। अब उसके बाद y वाली टर्म्स, यहाँ पे y है, ये उतारो, गुणा ये y है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर y2 है ना इजी। पहले हमने मल्टीप्लाई करने नंबर्स इकट्ठे लिखे, फिर x वाली इकट्ठे लिखी, फिर y वाली टर्म्स इकट्ठे लिख ली। ओके, अब देखिए 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 × 4। एक्स गुणा x2 गुणा x क्या हुआ? यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो x की पावर कितनी आ गई? 4। ऐसे ही y की पावर 1, यहाँ 1, तो y की पावर क्या आ गई? 2 + 1 3 + 1 4, तो इंटू y की पावर 4। तो 4x की पावर 4 इंटू y की पावर 4। ओके, दिस वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट किसका पार्ट कर लेना आप, क्वेश्चन नंबर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, इसी का ही अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है? सेम द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 4 की तरह सेम है। ओके, जैसे हम इसका मान लो इसका फर्स्ट करते हैं, क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, फिफ्थ का फर्स्ट। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो वाई जेड से, उसको मल्टीप्लाई करो जेड एक्स से। तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या आएगा? पहले आपको एक्स वाले इकट्ठे लिखो, एक्स इंटू एक्स, ये हो गया एक्स। फिर वाई वाले लिखो वाई इंटू वाई, 2y, ये लिख लिया। फिर जेड वाले लिखो जेड इंटू जेड, ये लिख दिया। ओके, अब इजी हो गया, एक्स इंटू एक्स पावर यहाँ एक एक, तो कितना हो गया? x2। ऐसे ही वाई की पावर y2, ऐसे ही जेड की पावर z2। हमने बीच में इनके कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ गया x2 y2 z2। इस तरह से आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन करना है। अब देखिए फिफ्थ का, जैसे मान लो हम थर्ड करते हैं, फिफ्थ का थर्ड, इसमें क्या है? 2 को मल्टीप्लाई करने को कह रहा है 4y से, और उसको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है 8y2 से, और उसको मल्टीप्लाई करने को कह रहा है 6y3 से। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है, सबसे पहले आप जो नंबर्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई, उनको करेंगे आपस में। फिर एक जैसी टर्म्स आएगी, क्या है? वाई वाली है, इसमें यहाँ वाई है, वो उतार दिया, इंटू वाई स्क्वायर उतार दिया, इंटू वाई क्यूब उतार दिया। ओके, अब देखिए ये 2 × 4 = 8, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 × 8 = 64, 64 × 16 कितना आएगा? ये आएगा मल्टीप्लाई करके 1024, 1024, 1024, इनको गुणा किया आपस में, ठीक है? अब y को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पावर 1 है, तो 2 और 1 3 3 6, तो y की पावर 6 आ गई, था ना इजी। ओके, ऐसे ही इसका अगर हम लास्ट देखें वो हो जाएगा आपसे, पर फिर भी चलो कर देते हैं। इसमें क्या है फिफ्थ में, फिफ्थ का फिफ्थ, इसमें क्या है? m को मल्टीप्लाई करना है -mn से, और उसको मल्टीप्लाई करना है mnp से। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ,
इकट्ठे आगे दो तो आप ब्रैकेट लगा दो, तो ये एक वैल्यू हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई। तो मल्टीप्लाई पहले साइंस को करो, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, यहाँ कुछ नहीं प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है, फिर यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, तो उसके बाद एम एम वाले इकट्ठे लिख लो, कितने एम है यहाँ, तीन एम है, ये हमने लिख लिया, दिस इंटू दिस इंटू दिस। उसके बाद एन इकट्ठे लिख लो, एन कितने, दो, तो एन इंटू एन। उसके बाद पी इकट्ठे लिख लो, पी आ गया। अब करो इसको, माइनस एम इंटू एम इंटू एम, एम कितने हो गए, पावर थ्री, वन वन वन, तो ये होगी थ्री। ऐसे इंटू एन, एन की पावर टू, ऐसे इंटू पी, एम की पावर थ्री, एन की पावर टू इंटू पी, ये आ गया। ये फिफ्थ का फिफ्थ क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इजी, आप इनको करोगे ये एक ही बार में देख के ही समझ आ जाएंगे। फिर भी आपको दिक्कत हो तो यू मे आस्क मी। तो अगर आपने ये वीडियो जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। ओके, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।